করে ওসব মিটিং, ওসব এখন কলেজে হবে, ঠিক? আর এই পেলে খালো, উসকে বাদ বললা মুমে রাখতে হবে ওটা দিয়ে। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मछली बन गया है। अभी इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता, और अभी जो है धनिया पत्ता का सीजन है। और अगर हम सब्जी में धनिया पत्ता नहीं डालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये धनिया पत्ता का सीजन है? तो चलिए यहाँ पे धनिया पत्ता डाल देते हैं। धनिया पत्ता को हम धो लिए थे, और एक कैंची हम किचन में हमेशा रखते हैं, एक नहीं दो भी रख सकते हैं, लेकिन अभी तो मेरे पास एक ही है। तो हम एक कैंची रखते हैं, और इस तरह मिर्चाई, धनिया पत्ता या दूध का पैकेट, ये सब काटने के लिए सुविधा होता है। तो मैं खाना बना के सबको खिला के मैं भी खा लिए थे हम भी। तो अभी हम बैठे हैं, और खाने के बाद थोड़ा सा तो ठंडा लगता है, तो अभी हम बेड पे आए हैं। और खाना खाने के बाद हमको अच्छा लगता है मीठा खाने में, और मीठा खाएंगे एक चॉकलेट जो कि जया लाई है। जया कॉलेज आई थी, दो चॉकलेट लाई थी, एक कुसुम को दी है उसकी दीदी को, और एक मेरे लिए। तो अभी हम चॉकलेट खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा बैठेंगे, फिर जो काम होता है उन सब काम करेंगे। थैंक यू जया, थैंक यू। जया उधर बैठी हुई है ना? जया बोल रही, पहले खा लो उसके बाद बोलना, मुंह में रख के मुझे वो कर दिए। हम थोड़ा सा एक सीरियल देख रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब यहाँ पे ऐड हो देता है तो हम फिर देखते हैं जेठालाल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ऐसे हम सीरियल देखते नहीं है, हमको टाइम नहीं मिलता है सीरियल देखने का, तो बस अभी ऐसे ही थोड़ा सा देख रहे हैं। 5-7 मिनट देखेंगे, फिर उसका काम में लग जाएंगे। तो मैं आपसे फिर शाम को मिलती हूँ जब चाय पीऊंगी तब। अभी के लिए बाय बाय। यहाँ पे दो बहनों का गप हो रहा था और हम सुन रहे थे, तो हम चाय पी लिए हैं। और अभी हम जो है फूड शॉप करेंगे, और फूड शॉप सोचे अभी कर लेते हैं, फिर रात को कभी कभार छूट भी जाता है, तो अभी इस टाइम में कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो चलिए पहले हम पानी ले लिए हैं, अब इसमें नमक डाल रहे हैं, उसके बाद फिर बंधन लेके वहाँ से प्रे करके फिर गणेश अथर्वशीर्ष भर के फूड शॉप करेंगे। यहाँ पे जो है अभी हम बंधन ले रहे हैं, और वीडियो को हम थोड़ा सा स्पीड कर दिए हैं।
जाऊंगी और पपीता का एक चटनी बनाएंगे, जो कि खट्टा मीठा चटनी बनाएंगे हम, और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम जो है पहली बार बना रहे हैं, तो चलिए पपीता का चटनी बनाते हैं। ये जो है चटनी, आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, पराठा के साथ। है हम अभी क्यों हंसे, क्योंकि हम तो मतलब कैमरे के सामने बात करने में थोड़ा सा मतलब घबराहट होता है, और हम बात करते हैं तो हम हाथ भी थोड़ा हिलाते हैं। तो जोया क्या कर रही है देखिए, देखिए मेरा हाथ पकड़ के रखी है ताकि हम हिला नहीं पाए, इसीलिए हमको हंसी आ गया। और ये देखिए जोया, इसीलिए हम हंस रहे थे। तो चलिए मतलब हम बात करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो मेरा हाथ पकड़ ली थी और हमको हिलाने नहीं दे रही थी, तो हमको इसने। तो चलिए अभी हम पपीता का चटनी बनाएंगे, खट्टा मीठा। ये जो है हम नाश्ता में भी रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए किचन में। ये रहा पपीता, और ये जो पपीता है इसको कद्दूकस कर लिए हैं। तेल डाल दिए हैं, जैसे तेल गर्म हो जाएगा इसमें राई और दो सूखी लाल मिर्च तोड़ते दे देंगे। जैसे चटकने लगेगा उसके बाद इसमें पपीता को जो हम कद्दूकस करके रखे थे वो सारा पपीता को इसमें डाल देंगे, और इसको फ्राई करते रहेंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के। हल्दी थोड़ा सा ही डालेंगे और नमक डालेंगे और फ्राई करते रहेंगे ताकि कच्चापन जो है वो एकदम से ख़त्म हो जाए। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढक देंगे कुछ देर के लिए, जब तक पपीता अच्छा से पक नहीं जाए। उसके बाद फिर ढक्कन हटा के इसमें चीनी डालेंगे, चीनी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे। मतलब अगर आपका घसा हुआ पपीता एक कटोरी हुआ है तो आपको उसमें दो कटोरी चीनी डालना है। और यहाँ पे देखिए पपीता जो है हो गया है, इसका पानी सूख गया था, बस थोड़ा सा और चलाना है। और अभी हमको इसमें चीनी डालना है, और चीनी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है, और चलाते चलाते चीनी का पानी निकलेगा तो उसको भी अच्छा से सुखाना है। सुखाने के बाद इसमें दो नींबू का रस इसमें डालेंगे, क्योंकि खट्टा जब तक नहीं डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर नींबू नहीं है तो इसमें इमली भी डाल सकते हैं। चीनी का पानी सूखने तक इसको चलाते रहेंगे, और जैसे ही पूरा पानी सूख जाएगा उसके बाद इसमें हम इलायची पाउडर या सौंफ का पाउडर इसमें डाल देंगे, और इसको दूसरा कटोरी में निकाल लेंगे। और ठंडा होने के बाद इसको आप ब्रेड के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ आप ये वाला चटनी खा सकते हैं। चटनी बोल सकते हैं, जैम बोल सकते हैं, बस एक बार बना के खा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम यहाँ पे ब्रेड को सेक लिए हैं, और इसमें हम ये जो चटनी बनाए हैं इसको हम ब्रेड में लगा देंगे, और फिर जोया को देंगे खाने के लिए, और जोया बताएगी खा के कैसा बना है। तो चलिए फिर जल्दी नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।